की हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम परफेक्टली फिट हो गए और असी भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ब्लॉग स्टार्ट करने तो पहले मेरे चैनल पे आने वाले सब नए फ्रेंड तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियो, मेरी वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी फ्रेंड्स, है ना एकदम जैकेट शैकेट पहन के मैं बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है और बच्चे भी एकदम रेडी हो रहे हैं, मैं उन्होंने जैकेट पहन आ रहा और असी जा रहे हैं जी बाहर शॉपिंग वॉकिंग करने वास्ते। तो ना अम्मी ऑलरेडी गए अब्दुल्ला के नाल, तो ना हले टाइम इस टाइम हो रहा वा 5:06। तो मैं मगरब की नमाज़ पढ़ ली सी, तो मैं मैस नूं कहा कि मैस हले अपने कोल टाइम है वा, मैं 6:00 डिनर बनाना शुरू करना, तो क्यों ना आप चक्कर लगा के आंदे हैं। ब्लैक फ्राइडे भी लंघ गया, इन्ना ज़्यादा बिजी सी कि टाइम ही नहीं लगा ना बाहर किसी स्टोर पर भी आन जाने वास्ते। तो हूँ मैं क्या चलो अज थोड़ा जहा टाइम है तो वालमार्ट चलते हैं, शायद कुछ ना कुछ मिल ही जाए। हूँ जल्दी के नाल चलते हैं, आप भी साढ़े नाल चलो और इंजॉय करो। सलाम बोल दो जल्दी से, जल्दी से सलाम बोलो। दिसंबर आने लगा है तो अभी तो स्नो पड़ने वाली है, दिसंबर में वैसे स्नो स्टार्ट हो जाती है, बहुत सर्दी है। टोपी पहन सर पे, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना जबरदस्त लग रहा है, चौंद भी का चांद और साथ में देखिए एक तारा चमक रहा है। अभी हल्का हल्का सा दिन खड़ा है, चलो भागो भागो, क्रिसमस है ना, तो अभी सब लोगों ने ना सारी क्रिसमस की भी डेकोरेट करनी शुरू कर दी, काफ़ी सारे घर सजे हुए आगे गली में। धूप निकली हो ना तो इस टाइम इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस होती है ना, और वैसे भी माइनस में जा रहा है टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर आजकल मैस? -1 है, तो आप सर्दी तो आपको पता है ना, तो ये बिल्कुल पीक पे है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है पिछले 2 साल से अभी यहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ पे भी अपार्टमेंट बन रहे हैं। ये सारे ये जो इधर वाली साइड है ना, इधर सारी वाली साइड पर ना अपार्टमेंट्स ही हैं, इधर वाली साइड पर घर। काफ़ी दिनों से फ्रेंड्स इमरा कह रही थी कि मामा मुझे ट्वाइस दिलाओ, तो बस बिजी थी रूटीन में, बस टाइम नहीं लगा। तो ना आपको पता है फिर इमरा बार बार कंप्लेन कर रही थी मामा आपने मुझे नहीं लेके देना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इमरा को ट्वाइस नहीं लेके दिया। डाला स्टोर पे बच्चों को ले जाते हैं, तो देखिए मैंने अभी सोचा कि इमरा को कोई ना कोई ट्वाइस ले दे। इमरा ने क्या लेना आज बताओ, इमरा क्या लेना है? बेबी डॉल। हाँ, इसने शोर डाला हुआ है कितने दिनों से कि मुझे बेबी डॉल चाहिए, बेबी डॉल चाहिए। तो अभी हम जाएंगे वालमार्ट से निमरा को एक अच्छी सी प्यारी सी निमरा के जैसी बेबी डॉल लेके देंगे, ठीक है? ये क्या आपके हाथ में, ये पैसे किसने दिए आपको? किसे दिए? हाँ पापा ने पैसे दिए। चलो ठीक है, आप जल्दी से हम जाएँगे और आप अपनी पसंद की अपनी चॉइस की एक ट्वाइस आप लेना, और एक ट्वाइस लेगा मेरा शहजादा, पीछे सो रहा है, नज़र नहीं आएगा आपको वो क्लियर, लेकिन वो सो रहा है। अभी वो मैस जो है वो काफ़ी ले आए हैं, थैंक यू। अपने लिए ले के आए आज, मैंने जो फ्लेवर ऑर्डर किया था वो ये है। अभी हम लोग निकल चुके हैं वालमार्ट के लिए और हम लोग मिलेंगे आप लोगों के वालमार्ट पे जाके। हैदर यहाँ पे उठ चुका था, इसको मैंने अभी बिठा लिया। कार्ड में क्या लेना है? ये प्लेडो नहीं है बेटा, ये तो ABC है। प्लेडो आगे मैं आपको लेके देती हूँ, ओके चला जाओ। अभी हम मैस रुके हैं फार्मेसी पे, अम्मी की ना जो दवाई है मैंने कहा पिक कर लो क्योंकि खुली हुई है।
सबसे पहले बच्चों को लेके जाते हैं टॉय सेक्शन में, क्योंकि इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं देखने देना, अपनी पसंद का एक एक टॉय उठा लें, फिर उसके बाद हम अपनी शॉपिंग करेंगे। वाह कितनी ज़बरदस्त, जाने वो देखो डॉल कितनी प्यारी है, निमरा वो देखो क्या लेना है, दने प्लेडो चलें, ये देख लीजिए सारा सेक्शन प्लेडो का है। अब इसमें से एक अच्छे से वाला है, दो पिक करके दे देते हैं, कौन से वाला लेना है। मम्मा अभी हम लोग आए हैं जी बेबी डॉल्स के सेक्शन में, अभी निमरा को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, देखिए कितनी प्यारी प्यारी डिफरेंट डिफरेंट सी हैं, ये सारा सेक्शन है डॉल्स का ही बनाया हुआ उन्होंने लड़कियों का, ये देखिए कितने क्यूट क्यूट से बेड्स है, ज़बरदस्त। अभी निमरा को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, वो देख कभी इधर तो कभी इधर, निमरा कुछ पसंद कर लो बेटा, ये देखो सामने इतनी सारी डॉल्स है, कौन सी वाली लेनी, ये ऑरेंज वाली ले लो, कितनी क्यूट लग रही है मुझे, ये इतनी अच्छी लगी है ना। फाइनली जी निमरा को ये वाली गुड़िया पसंद आई है, और ये देखें इसका पॉट कितना अच्छा, ये चलता भी जबरदस्त। निमरा आपको ये वाली चाहिए थी ना, मामा को बता दो तो देख के, यही चाहिए। इट्स टाइम फॉर टू पे, जो जो चाहिए था सब कुछ ले लिया, अभी बस पे करते हैं और फिर निकलते हैं। आज तक तो इतनी महंगाई हो गई है ना कि अभी सस्ती चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, सेल के ऊपर भी ना आप बिलीव करो या ना करो हर चीज़ $20 $25, इससे नीचे प्राइस में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो चाहिए था वो मिल गया, बस अभी निकलते हैं। जब भी पीछे कॉल करें ना पाकिस्तान में किसी भी रिलेटिव से, किसी से बात करें ना, सब कहते हैं हाँ ये बड़ी महंगाई है पाकिस्तान में, बड़ी महंगाई है, यहाँ पे भी सेम ही है कसम से, हर चीज़ कुछ भी लेने चले जाओ, ग्रोसरी करने चले जाओ, शॉपिंग करने चले जाओ, कपड़े लेने चले जाओ, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ, हर तरफ इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है ना कि मैं कहती हूँ हर तरफ आग ही लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जी घर, मैं से ये कप ही ले आना अंदर उठा के प्लीज। ओ मेरा बच्चा, आई लव यू टू, प्लेटो पापा लेके आ रहे हैं। बाकी की जो शॉपिंग थी वो ये की थी, और ये निमरा के दो ड्रेसेस हैं वो मैस ने ये अपने लिए ली थी, और बच्चों के ना फीडर के निप्पल, ये अक्सर ना फिर बाद में मिलते नहीं है, तो आज मुझे मिले तो मैंने कहा चलो ये भी उठा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जी निमरा शुरू हो गई है खोलने के लिए, निमरा यू कैन नॉट वेट नो, चलो ठीक है खोलो खोलो, खेलो मेरा बच्चा। बच्चे यहाँ खेलने में बिजी हो गए, आते मैंने इनको दूध दिया क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अभी इन्होंने ना दूध पी लिया, मैं फीडर वॉश करती हूँ, और अभी मैं इधर आ चुकी थी जी किचन में, और बनाने लगी थी मसर और चावल, चावल जितने चाहिए थे वो भी मैं निकाल के ले आई हूँ, मसर जितने चाहिए थे वो भी मैं ले आई हूँ। सबसे पहले ना चावलों को भिगो देते हैं, क्योंकि चावल जितनी देर भिगोए होंगे उतने ही ज़बरदस्त और लंबे लंबे से बनते हैं, पहले एक दो बार खुले पानी से अच्छी तरह वॉश कर लूँ, फिर मैं इसके बाद ना इनको भिगो देती हूँ और ठंडे पानी में भिगोने में। अच्छा जी फ्रेंड्स यहाँ पे जी मैंने मसर भी चूल्हे पे चढ़ा दी अच्छे से वॉश किया, उसके बाद सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए, अभी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको बंद करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। सबसे आसान होता है क्या, दाल बनाना, कुकर में रखो मिनटों सेकंडों में चलो जी पक के रेडी, जल्दी से लगा देते हैं सीटी और अच्छे से कर देते हैं बंद और इसको छोड़ देते हैं। आजकल है ना हम लोग बहुत ज़्यादा ना एयर फ्रायर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वासफ ने यूज़ करना शुरू किया, उसको बहुत शौक है, वो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता है, तो ना मैंने भी कहा चलो हमने भी कुछ ट्राई करती हूँ, और यहाँ पे जी मैंने ना रखी है जो इसको क्या बोलते हैं भूल गया मुझे, शकरकंदी, शकरकंदी को मैंने काट के अच्छे से, फिर मैंने इसको ऑयल नमक और क्रश पेपर लगा के थोड़ी सी एक दो और सीजनिंग लगा के, फिर मैंने कहा इसको भी बेक करते हैं और देखते हैं कैसी बनती है। उस दिन वासफ ने बनाई थी बहुत मज़ेदार बनी थी, मैंने कहा आज मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, थोड़ा सा और टाइम लगाती हूँ, मुझे लगता है अभी थोड़ी सी सख्त है। एयर फ्रायर में चीज़ थोड़ी देर से बनती है लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है और बिल्कुल हेल्थी भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि एयर फ्रायर में नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं खाना चाहिए, तो अभी अल्लाह जानता है कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज हमने ट्राई तो किया है, देखते हैं कैसा बनता है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब ये कम्प्लीटली डन हो जाएंगे। फ्रेंड्स किसी ने हिलना शुरू कर दिया इसलिए इसकी आवाज़ आएगी, और यहाँ पर जी मैंने ना चावलों का भी पानी चढ़ा दिया है, जीरा नमक और मैंने चिकन कनोरा ऐड किया फ्लेवर के लिए, अभी इसको कर देते हैं जी कवर और वेट करेंगे पानी को बॉईल आ जाए और फिर ऐड करेंगे चावल। मसर एकदम से रेडी हो चुकी थी, तड़का भी मैं रेडी कर लिया, हूँ जल्दी दे ना लेना ऐड कर देने हैं मसरा दे विच, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चावल भी एकदम रेडी हो चुके हैं, बस मैं दो एक दो मिनट और वेट करेंगी, फिर मैं पानी ड्रेन कर दूँगी। चावल जो हमेशा मैं पिच निकाल के ही बनानी है, एक तो लाइट भी होंगे
और आपने मतलब बिच कटे हुए जो चावल होंगे वो ज़्यादा खाधे भी जाते हैं, तो बस एक दो एक मिनट होर वेट कर दे, फिर जल्दी सारा पानी ड्रेन कर देंगे और मसर भी एकदम रेडी हो चुके हैं। चावलों को पानी ड्रेन करने के बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा देसी घी ऐड कर दिया और अभी यहाँ पे जी मैंने प्लेट से निकाल के रखी है, जल्दी से भाई लोगों का जो खाना है वो सेपरेटली निकाल दें। जैसे ये सारा खाना ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको कवर कर लूँगी और यहाँ पे जी मैंने अपनी प्लेट बना ली है। मम्मी लोग तो अभी तक आए नहीं है तो पता नहीं उन्हें कितना और टाइम लगेगा, तो मुझे तो बहुत भूख लगी थी। वासप ने भी और मैंने और मैथ ने, मैं सोचा चलो हम बैठ के तीनों घर पे हैं तब तक हम लोग डिनर कर लेते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। टाइम हो गया है 8 बज गए, अभी चले लेके खाना अपना डाइनिंग टेबल पे और ये व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। और ये है जी मैस की प्लेट, ये तो मैं शेयर करना भूल ही गई। और जो मम्मी शॉपिंग करके आएंगी इंशाल्लाह वो आप लोगों को कल वाले व्लॉग में दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।